दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है। जब हम 12th पास कर लेते हैं तो हमारे साथ दिक्कत होती है कि हम क्या कोर्स करें। अगर कोर्स करें तो हम किस कॉलेज में एडमिशन लें या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने 12th पास कर चुके हैं और आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप कहाँ एडमिशन लें, किस कोर्स में एडमिशन लें, तो आपके लिए ये वीडियो आज बहुत काम की होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। आज हम जेसी बोस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद के बारे में वीडियो देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो ये 1969 में स्टार्ट हुआ था और ये एक इंडियन जर्मन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, कंबाइंड प्रोजेक्ट था, जिसको कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए या अच्छा बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में सिचुएटेड है, जो कि बिल्कुल दिल्ली के टच है। अब अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट्स और अवार्ड्स की बात करें तो नैक NAAC एक रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, जो कि कॉलेज को रैंकिंग प्रोवाइड कराता है उनके वेरियस बेसिस पे, लाइक प्लेसमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज क्या है, क्या क्या हम पढ़ाने में इक्विपमेंट यूज में ले रहे हैं, तो उन सारे बेसिस पे। तो जो वाईएमसीए यूनिवर्सिटी है वो ए ग्रेड से एक्रेडिटेड है नैक से। उसके बाद अगर हम बात करें तो करियर 360, जो कि रैंकिंग प्रोवाइड कराता है सेम, तो 4A ग्रेड से, 4A ग्रेड है करियर 360 की रैंकिंग के हिसाब से। उसके बाद अगर हम NIRF रैंकिंग की बात करें, जिसकी कि फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो कि MHRD मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो उसने 16, 17, 18 और 19 रेगुलर 4 ईयर्स वाईएमसीए को अंडर 150 टॉप कॉलेज रखा है इंडियन इंडियन कॉलेज। तो उसके बाद अगर हम एनबीए की बात करें तो N5 कोर्सेज बीटेक के कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EIC और इलेक्ट्रिकल और MCA कोर्सेज आर एक्रेडिटेड फ्रॉम एनबीए। उसके बाद अगर हम कॉलेज की बात करें तो लेट्स आइए शुरू करते हैं। लोकेशन की बात करें तो वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में सिचुएटेड है, जो कि 20 एकड़ में फैला हुआ है और हरियाणा का सबसे छोटा कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल कम यर्स 100 मीटर दूर है और मेट्रो स्टेशन का नाम है एस्कोट मुजेसर मेट्रो स्टेशन। और ये नेशनल हाईवे नंबर 2 पर सिचुएटेड है, मथुरा रोड से 32 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम देखें तो कि इनटेक क्या क्या है, कौन कौन से कोर्स करा रही है यूनिवर्सिटी, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज यूनिवर्सिटी करा रही है। अगर हम उसकी सीट्स की बात करें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 120 सीटें हैं जो जेई मेन से एडमिशन लिए जाते हैं जिनके लिए। उसके बाद अगर हम लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री एडमिशंस डिप्लोमा और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिनमें 12 सीटें रखी गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 120 सीटें हैं जिनमें से सॉरी 120 सीट है जिनमें जो 120 सीटें हैं वो जेई मेन से है, 12 सीटें वो डिप्लोमा वालों के लिए है या बीएससी वालों के लिए। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 66 सीट है टोटल, जिनमें 60 सीट है वो जेई मेन से, 6 सीट है वो लेटरल एंट्री की रखी गई है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट है वो जेई मेन से है, 6 सीट है वो लेटरल एंट्री से है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट जेई मेन से, 6 सीट डिप्लोमा वालों के लिए। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 कोर्सेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो दोनों में 60 रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री की सीटें नहीं रखी गई है। उसके बाद अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीट्स है जो जेई मेन से है, 6 सीट है वो लेटरल एंट्री से है। उसके बाद अगर हम कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज में ये सारे आप देख चुके हैं, एडमिशन जो इनके अंदर होता है वो आप देख सकते हैं। एडमिशन जो जेई जैसे कि जो जेई मेंस की सीट है वो IIT जेई मेंस के एग्जाम से होती है, जिनकी ये काउंसलिंग होती है हरियाणा स्टेट की, उसके बेस पे एडमिशन मिलते हैं। उसके बाद अगर हम डिप्लोमा के जो एडमिशन होते हैं वो डिप्लोमा और जो बीएससी के एडमिशन होते हैं वो लीट का एग्जाम होता है, लेटरल एंट्री एंट्रेंस, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट अपना कंडक्ट करती है, जिसकी रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे एडमिशन मिलता है। जो वाईएमसी यूनिवर्सिटी के लिए रैंकिंग जाती है वो हरियाणा में सबसे टॉप में जाती है, मतलब बोले तो 100 और 200 रैंक तक ही वाईएमसी में एडमिशन हो पाता है अच्छी ब्रांच में। अगर हम फी की बात करें तो जो फी होती है इसमें एक साल की वो पड़ती है 80,525 रुपीज, तो ये बीटेक के लिए है। बाकी आप कोर्सेज की वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं सारी फीस। तो यार इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम फी के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है फी। उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो
जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट्स हैं, हम प्लेसमेंट की 2015 एंड 16 के बेसिस पे बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल स्टूडेंट्स थे वो 73 थे, एलिजिबल थे 47 थे, नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट 46 थे, नंबर ऑफ विजिटेड कंपनियां 26 थी, तो प्लेसमेंट परसेंटेज इनका आता है 97.87। तो मिनिमम पैकेज जो था वो 2.5 लाख था, मैक्सिमम पैकेज 8.5 लाख, और एवरेज पैकेज है वो 3.6 लाख है। उसके बाद अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल स्टूडेंट्स थे 74, जिनमें से एलिजिबल थे 50 स्टूडेंट्स, और 50 के 50 बच्चे प्लेस्ड है। यार बहुत गजब बात है रियली। नंबर ऑफ कंपनी विजिटेड थी जो आईटी ब्रांच के लिए वो 21 थी। प्लेसमेंट 100% है पूरा। और अगर हम मिनिमम पैकेज की बात करें तो 1.1 लाख, मैक्सिमम 9.34, और एवरेज पैकेज 3.3 लाख आ जाता है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें इसी ब्रांच की, तो उसमें 69 बच्चे थे एलिजिबल, 46 बच्चे एलिजिबल थे, सॉरी आउट ऑफ 69, जिनमें से कि 33 बच्चे प्लेस्ड थे। कंपनी विजिटेड थी 10, 71.73% इनकी आती है प्लेसमेंट परसेंटेज। उसके बाद मिनिमम पैकेज 1.8 लाख था, मिनिमम पैकेज सॉरी 2.4 लाख, और मैक्सिमम पैकेज 9.94 लैक, और एवरेज पैकेज 4.3 आ जाता है। तो अगर EIC की बात करें तो 72 बच्चे थे, जिनमें कि 51 एलिजिबल थे, 43 बच्चे प्लेस थे, कंपनी विजिटेड थी 11, प्लेसमेंट परसेंटेज जो आता है वो 84.31, मिनिमम पैकेज 1.8, मैक्सिमम पैकेज 6, और एवरेज पैकेज 3.7। तो दोस्तों आप ये पोज करके देख सकते हैं, एक यार बहुत अच्छी चीज है। बस अगर हम बात करें तो थोड़ा एमटेक का प्लेसमेंट आता है वो कम है, जिसका की रेशियो 30% 33.92 है, और दूसरा बात करें तो एमसीए का कम है। उसके अलावा अगर हम बीटेक कोर्सेज की बात करें तो यार एक बहुत अच्छी बात है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज में इतना अच्छा मिल रहा है, और जिसकी की फी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, रैंकिंग भी ठीक जाती है, एनआईटी से कम होती है, तो यार एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते तो प्लीज जाइए, बिकॉज यार ओवरऑल अगर हम 4 साल बाद निकलते तो जॉब होनी जरूरी होती है, मेन जॉब जरूरी है, पैकेज की प्रॉब्लम नहीं है, पैकेज भी ठीक है यार, कोई ज्यादा कम नहीं है। और अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो YMCA फेमस है बिल्कुल मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो उसके बाद अगर हम कंपनीज की बात करें तो प्लेसमेंट पार्टनर्स, तो यार ये सारी लिस्ट है कंपनीज की। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो डेनफोस कंपनी है, डेकिन डाइकिन एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, महिंद्रा है। उसके बाद अगर हम अच्छी अच्छी कंपनियों की बात करें तो अमेजोन आती है, जो अभी रिसेंटली जो अमेजोन का पैकेज है, अमेजन पैकेज देती है 36 लाख का। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आती है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एक मास रिक्रूटर है YMCA के लिए, और जो कि बहुत अच्छी बात है, बट इसका पैकेज थोड़ा कम होता है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं इसमें ऑलमोस्ट 100 के समथिंग होते हैं हर साल, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये YMCA के लिए। उसके बाद HCL मास रिक्रूटर हो जाती है यहाँ की, 50 के समथिंग बच्चे लेके जाती है। यामा बाइक्स आती है, उसके बाद सैमसंग आती है, सैमसंग YMCA के लिए एक मास रिक्रूटर हो जाती है, ये भी ऑलमोस्ट 20-30 के समथिंग बच्चे रिक्रूट करती है, और जिनका पैकेज 10 लाख से वो होता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है सैमसंग भी। एस्कॉर्ट्स आती है, LG आती है, हैवल्स आती है, पैनासोनिक है, हीरो मोटोकोप है, एडोब है। तो यार अगर हम मैकेनिकल के लिए बात करें तो हीरो हो जाती है, जिंदल स्टील हो जाती है, एस्कॉर्ट्स हो जाती है, LG हो जाती है, बैमको हो जाती है, और भाई ये सारी कंपनियां हो जाती है, होंडा भी होती है, डाइकिन एयर कंडीशनर हो जाती है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो जाती है। तो ये कंपनी इनका जो ओवरऑल पैकेज होता है वो जो ओवरऑल पैकेज होता है वो ऑलमोस्ट वो भी ठीक होता है एक मैकेनिकल के हिसाब से। और YMCA तो मैकेनिकल के लिए यार वैसे भी फेमस है। दूसरा मारुति सुजुकी का पैकेज होता है मैकेनिकल वालों के लिए, ऑलमोस्ट 7 लाख का होता है, जो भी वो भी ठीक है यार, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां 5 लाख प्लस दे रही है, तो एक आई थिंक ठीक है। हिताची एयर कंडीशनिंग हो जाती है ये वाली, इसका पैकेज भी ऑलमोस्ट 5 लाख प्लस होता है, तो ये एक मतलब ठीक है मैकेनिकल वालों के लिए भी। दूसरी अगर हम IT की बात करें तो IT वालों के लिए और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों के लिए अमेजन है, सैमसंग हो जाती है, इनका जो पैकेज होता है वो 10 लाख अब हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्मार्ट पिक्स हो जाती है, कैपेजमिनी हो जाती है, और TCS हो जाती है, TCS का पैकेज कम होता है, बाकी यार अच्छी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NBC बेयरिंग मैकेनिकल के लिए हो जाती है। अब यार एक ओवरऑल अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो ओवरऑल फी के हिसाब से यूनिवर्सिटी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक मेरे हिसाब से तो। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एक बार साइट पे जाके प्रोस्पेक्टस भी चेक कर सकते हैं। प्लेसमेंट का मैंने आपको बता दिया है, रिसेंटली जो अभी अमेजन पे करती है तो वो पैकेज होता है 32 लाख का, सैमसंग का होता है, एडोब कंपनी प्रोवाइड करती है 10 लाख प्लस, स्मार्ट ट्रिक्स होती है, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर कम इन यूनिवर्सिटी फॉर द प्लेसमेंट एंड प्रोवाइड द पैकेज अबो द 10 लाख।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।